हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व कर रखा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्वेश्चन को यहां पे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन रोज 750 मीटर्स इन 775 सेकंड्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 7 1/2 मिनट्स। व्हाट इज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पे एक आदमी जो रो कर रहा है, उसका स्टिल वाटर में कितना स्पीड है। स्टिल वाटर मतलब जो पानी रुका हुआ है, उसमें कोई स्ट्रीम नहीं लग रहा। इन्होंने जो दिया हुआ जो टाइम 750 मीटर्स टोटल डिस्टेंस है, और 775 सेकंड्स में अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम मतलब जिस तरफ से पानी आ रहा था उसी तरफ को गया, और फिर जो वापसी है वो कितनी 7 1/2 मिनट्स में वापस आया, लेकिन वो भी पानी का करंट था उस समय भी। लेकिन अब ये बोलें कि इस रोइंग का जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में कितना है, जब पानी रुका हुआ, ना पानी ऊपर को जा रहा ना नीचे को, कहीं नहीं चल रहा, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, उस समय क्या स्पीड रहेगा रोइंग का। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो ये स्ट्रीम समझना होगा। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम करंट के बहाव को, जो पानी का बहाव रहता है उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब, जब कोई भी शिप है या बोट है या कोई भी है रोइंग इक्विपमेंट या कुछ भी है, वो जब पानी के विपरीत जाता है, मतलब पानी सामने से आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं कुछ लेके अपना शिप बोट वगैरह कुछ भी, तो पानी का जो बहाव है वो जितनी स्पीड से बहाव आ रहा है उतना स्पीड हमारी स्पीड में से माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, हम एक डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो जो स्पीड है वो हमारा हो जाता है माइनस। तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पीड मिलता है एक्चुअली में, जो स्पीड हम जो स्टिल वाटर में करना था उससे कम स्पीड मिलता है, क्योंकि पानी हमारे विपरीत दिशा से आता है तो स्पीड कम हो जाता है। तो उस जो स्पीड मिल रहा है अभी, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि वो स्ट्रीम जो कम है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, इससे उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्पीड है प्लस आपको जो पानी के बहाव से स्पीड मिल रही है, ये भी प्लस हो जाएगी उसमें, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, जितना करंट का स्पीड है प्लस आपका स्पीड है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? मैंने लिखा भी है ऊपर, देख सकते हो, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम, यूएस मतलब अपस्ट्रीम इजिकल टू स्पीड माइनस स्ट्रीम, जो इसका रोइंग का जो स्पीड है उसमें से माइनस हो जाएगा स्ट्रीम का स्पीड, उसको वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा अपस्ट्रीम स्पीड। और उसके उल्टा डाउनस्ट्रीम मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड नंबर पे, डाउनस्ट्रीम रहेगा स्पीड का, जो स्पीड है रोइंग का प्लस जो स्ट्रीम के साथ उसको बहाव के साथ और ज़्यादा स्पीड मिल रहा है वो प्लस हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है पहली दो लाइनें दोस्तों? तो इन्होंने क्या बोला हमें, स्पीड ने जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, यहाँ पर जो एस पी मैंने लिखा, तो स्टिल वाटर का स्पीड हो गया एस पी। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दोनों दे रखा, अपस्ट्रीम में भी कितना टाइम लग रहा है और कितना डिस्टेंस है, और डाउनस्ट्रीम में भी कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस है टाइम है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, इन्होंने हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों दे रखा है, और हमें क्या पता करना है, स्पीड पता करना है, और स्ट्रीम नहीं पता हमें। डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है, लेकिन स्ट्रीम मतलब पानी का जो बहाव है वो नहीं पता हमें। तो हम देखो, दोनों दो दो चीज़ें तो नहीं पता कर सकते हम, जहाँ पे स्पीड पता कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, स्ट्रीम को बराबर रख लेंगे। इन जो ये दोनों हैं, दोनों में से स्ट्रीम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले से स्ट्रीम निकालते हैं, स्ट्रीम क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का स्पीड माइनस यूएस मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है? और जो सेकंड वाले डीएस इज इक्वल टू एसपी प्लस स्पीड, इससे क्या एसटी, इससे हम स्ट्रीम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड माइनस यूएस। ये क्लियर, सॉरी, डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड, ये क्लियर है आपको? यहाँ तक हमने दोनों में से स्ट्रीम निकाल लिया, ये दोनों थे हमारे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, इनमें से दोनों में से स्ट्रीम निकाल लिया। अभी दोनों में स्ट्रीम है, स्ट्रीम तो सेम है, तो इन दोनों को हम बराबर रख लेंगे, इन दोनों को स्ट्रीम को बराबर रख लेंगे।
तो एस पी माइनस यू एस, ये फर्स्ट वाला ले लिया, इज इक्वल टू डी एस माइनस एस पी। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। इसमें यू एस और डी एस हमें ऑलरेडी गिवन है, यू एस भी दिया हुआ उन्होंने, मतलब डिस्टेंस और वो दे रखा है, टाइम दे रखा है, और डी एस में भी डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। तो स्पीड हमें निकालनी है, तो निकल जाएगा दोस्तों ये एस पी एस पी, एक साइड माइनस का है, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये यू एस इधर माइनस का, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो टू एस पी इज इक्वल टू डी एस प्लस यू एस, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम टू एस पी। तो एस पी कितना हो जाएगा, डी एस प्लस यू एस ओवर टू। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए हमें जो ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना 750 है डी एस का। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ पहले मैं, तो यहाँ पे ये अपस्ट्रीम का यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ मैं, तो अपस्ट्रीम में ये 750 है इनटू, ये 750 क्या है मीटर्स में है, लेकिन इनको जो आंसर चाहिए वो किलोमीटर्स पर आवर्स में चाहिए। तो 750 के नीचे मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ, और जो टाइम है वो सेकंड्स में दिया हुआ, 775 सेकंड्स टाइम दिया हुआ, तो इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए दो बार यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो 775 को डिवाइड करोगे तो वो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाउन स्ट्रीम लिख लेता हूँ, 750 जो डिस्टेंस तो सेम है, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 7.5 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स में ये ध्यान दीजिए, तो ऊपर ओनली एक ही 60 लगेगा क्योंकि हम उस मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन 750 जो मीटर्स हैं उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे भी इसको 1000 से यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, और 1/2 ये जो 2 था इसको मैंने बाहर ही रख लिया। तो इसको सॉल्व करते तो ये 2700/775, और ये पूरा कट जाता है, ये 6 आ जाता है, और फिर हम इसको 775 × 6 इनको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 294/31, और 1/2 बाहर है, तो ये 2 को 294 के साथ कट करते हैं तो ये 147/31 आ जाता है, और 147 को 31 से डिवाइड करते हो तो 4.7, और उसके आगे भी समथिंग आता है, ये 7 तक ही नहीं है, आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करोगे तो पूरा आगे तक 3-4 डिजिट तक जाता है इसका आंसर। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।